हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में कैथल से यात्री आधे किराए में जा सकेंगे। जी हां, सरकार ने आधा किराया माफ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत यात्रियों को महोत्सव का कूपन मिलेगा। ये कूपन दिखाने के बाद वे आधे किराए में यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि सामान्य बसों में कुरुक्षेत्र के लिए यात्रियों से 50 रुपए किराया लिया जाता है, लेकिन अब 25 रुपए के फ्री कूपन यात्रियों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैथल से कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के लिए विशेष बसें भी चलाई जाएंगी। ये देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार ने 7 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक गीता जयंती महोत्सव पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, और वहाँ पर पूरे प्रदेश से रोडवेज की तमाम बसें तमाम हर डिपो से सरकार ने संचालन करने का किया है, ताकि यात्रियों को गीता जो हमारी बहुत ही पुराना हमारा इतिहास है उससे लोग जुड़ सकें, उसको बताने के लिए और वहाँ पर जो कलाकार है उनकी चीज़ को दिखाने के लिए कैथल डिपो से रोज़ाना 5 बसें वो जा रही हैं, और ये जो यात्री इसको देखने के लिए जाए उसको ले जाने और लेने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम दी है, उसको 50% कंसेशन दिया है। और ये जो कूपन है ये मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, गीता जयंती के नाम से सरकार ने जारी किया है। ये कूपन परिचालक से भी उपलब्ध हो सकता है, और यहाँ पर हमारे बस स्टैंड पर संस्थान प्रबंधक हमारे इंस्पेक्टर सतवीर सिंह जो इसके इंचार्ज बनाए हुए हैं उनसे भी ये यात्री कूपन ले सकते हैं। इस कूपन को दिखाकर यात्री जाते वक्त और आते वक्त इस कूपन को लेकर आधे टिकट में सफ़र कर सकता है, लेकिन जो इसे जाएगा गीता जयंती देखने के लिए उसे ही से कूपन का लाभ दिया जाएगा। वहीं हरियाणा रोडवेज के आधे किराए के ऐलान के बाद यात्रियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखने जा रहे हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल की है, बहुत बढ़िया किया है। गीता जयंती के महोत्सव जो आदि इन्होंने टिकट किया, बहुत बढ़िया किया है। इससे श्रद्धालुओं का रुझान बहुत बढ़ेगा और वहाँ पे अच्छी संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। गीता जयंती जा रहे हैं जी कुरुक्षेत्र घूमने, क्या हाल हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, 2 दिन हो गए जी पूरे किराए में जा रहे थे जी घूमने। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जा रही है। कुरुक्षेत्र के आसपास के अधिक से अधिक लोग गीता जयंती देखने के लिए जा सके, इसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं 24 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र जाने वाले यात्रियों का आधा किराया रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।